हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का टॉपिक है एसिड। आगे के वीडियो में सॉल्ट और बेस के बारे में जानेंगे हम लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि आधा वीडियो देख करके आप पूरी जानकारी नहीं ले सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मज़ेदार जानकारी दूंगा और ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित होगा। दूसरा, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक प्रश्न। आपको बचपन में या किसी भी उम्र में चींटी ने काटा होगा, या मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, या मधुमक्खी की तरह ही होता है जो पीले रंग का होता है, उसने कभी डंक मारा होगा, या आप कभी झाड़ियों में जाते हैं या खेतों में जाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके टच हो जाने से आपको खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है, स्किन लाल हो जाता है, सूजन होने लगता है। तो आखिर में इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है कि आपको ऐसा होता है? तो आइए इसी की जानकारी हम एसिड को पहचाने कैसे। तो देखिए, एसिड को पहचानने के तीन तरीके हैं। हम एसिड को पहचानने का एक तरीका ये जानते हैं कि अगर स्वाद में कोई चीज़ खट्टी है, इसका मतलब उसमें एसिड की मात्रा है। दूसरा, अगर किसी भी सब्सटेंस को जलाने के बाद उसमें से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो इसका मतलब कि उसमें एसिड की मात्रा थी। अब आप कहेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि हाइड्रोजन है उसमें, क्योंकि गैस तो दिखाई नहीं देता है। तो उसे चेक करने के लिए माचिस की तीली या लाइटर लीजिए। अगर लाइटर जलाने के बाद अगर उसमें से आवाज़ आ रहा है, चट चट की आवाज़ आ रहा है, जैसे आप दीपावली में चिटपुटियाँ फोड़ते थे ना, उस तरह की आवाज़ अगर आती है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस है। तीसरा, इसे हम लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। एसिड का हमारे दैनिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा या सुना होगा कि अक्सर जब पहली बारिश होती है उसमें अगर जो भीग जाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने पूरे 6-7-8 महीने तक बहुत सारा एसिड एनवायरनमेंट को दिया है, तो जैसे ही बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों के साथ क्या होता है, नीचे आने लगता है। तो जब नीचे आएगा तो आपके शरीर पर अगर पड़ेगा तो उसका प्रभाव आपको दिखेगा। कौन कौन से खाने की चीज़ें हैं जिसमें एसिड पाया जाता है? विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक, कर्ड में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, इसमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ये मेथनोइक एसिड ही होता है जो नेटल प्लांट के टच होने से या आंट के बीज के डंक मारने से हमें जो खुजली और दर्द होता है वो इसी मेथनोइक एसिड के वजह से ही होता है। जैसे ही वो डंक मारती है हमारी बॉडी में, वो मेथनोइक एसिड को सिक्रीट कर देती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, पीएच स्केल दरअसल क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब इस स्केल पर हम हाइड्रोजन का पावर मेजर करते हैं। तो ये जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि न तो ये एसिडिक है न तो बेस है। तो जैसे जैसे 7 से ये घटता जाएगा, इस साइड अगर हम जाएंगे तो वो एसिडिक नेचर होगा, और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे वो क्या होता है, बेस नेचर होता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है? जैसे पहला है, प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। आप देखें होंगे, एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में आप इनमें से कोई भी एसिड डाल दीजिए, देखिए कुछ दिनों के बाद प्लांट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा है, सॉइल इफेक्टेड ऑन द पीएच स्केल। आपने देखा होगा कि जब पुआल वगैरह सड़ता है तो वो एसिडिक नेचर का बन जाता है। और आपने सुना होगा कि जब कोई मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती थी, यानी फर्टिलिटी थी वो कम हो गई थी, तो लोग दही या माठे का छिड़काव करते थे। इसका मतलब कि उसका नेचर थोड़ा बहुत एसिडिक करने के लिए दही या माठे का प्रयोग करते थे। आज का जो युवा वर्ग है, जो पढ़ लिख रहा है, वो गांव के लोगों को या गांव के बूढ़े लोगों को सोचता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। अपने आप को उनसे अकलमंद मत समझिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं किताबों में वो उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ है। आपको भी कोई मना किया होगा कि आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सही रीज़न तो उनको नहीं पता था, लेकिन उनका कहना सही था कि आम को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या कोई भी खट्टी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वो एसिडिक होता है और हमारे दांत के लिए ये बड़ा खराब होता है। आज पूरा देश
और लगभग विश्व में भी लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो ये टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए अच्छा भी है और खराब भी है। गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट को ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए टूथपेस्ट जो होता है वो नेचर में बेस होता है और हमारे दांतों के लिए न तो एसिड अच्छा है न तो बेस अच्छा है, दोनों से दांत खराब हो जाते हैं। एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। आप कभी ज्यादा खाना खा लेते हो तो देखिए आपको एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगता है। यदि ऐसा कब होता है, जब आन का दाना चाप के खाना मर जाना परवाह नहीं, अगर ऐसे खाते हैं तो उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि आपके डेली रूटीन में खाना बना हुआ है। हमारे बॉडी में एसिडिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम सोडा वाटर लेते हैं। सोडा वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि सोडा वाटर नेचर में बेस होता है, तो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो ये न्यूट्रलाइज करते हैं। दांत के खराब होने का भी एक रीजन होता है अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं, आपका खाना अच्छे से पचता नहीं है, आपको हमेशा गैस बना रहता है, तो ये जान लीजिए कि आपके दांत खराब होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। अगर इनेमल जैसे ही आपका डिके हो गया तो दांत को कोई बचा नहीं सकता है, उसको अब खराब होना ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पान गुटखा वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले हमारे दांत के इनेमल को ख़त्म करता है। जब वो इनेमल को ख़त्म कर दिया तो अब दांत को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने कभी सोचा कि सारे जीव जंतु हैं जिनके काटने या डंक मारने से हमें दिक्कत होती है? दरअसल इस बात को समझिए, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है इसलिए क्योंकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। हर एक जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने उसको कुछ न कुछ वेपन्स दिया हुआ है केमिकल के रूप में। तो सांप या बिच्छू आपको इसलिए डंक या काटता है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि उसे आप उसके लिए एनिमी है, तो वो बचाव के लिए आपको काटता है। तो ये रहा एसिड जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित प्रभाव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेस और सॉल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।